हेलो दोस्तों, मेरा नाम रितेश कुमार सर, स्वागत करता हूँ आपके और मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी फर्स्ट में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं श्रम कार्ड न्यू अपडेट, बैंक अकाउंट डिलीट। जी हाँ दोस्तों, जल्दी करें अपना स्टेटस चेक। तो यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से एक नया अपडेट आ गया है, एंड ई श्रम कार्ड में जो अपडेट आया हुआ है, बहुत लोगों का बैंक अकाउंट इसमें डिलीट हो गया दोस्तों। तो कैसे करेंगे स्टेटस चेक, कैसे आपको बैंक अकाउंट में जोड़ना है, ये इसी के बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों। और बहुत लोगों का जो बैंक अकाउंट अगर डिलीट हो गया दोस्तों, तो जो भी श्रम कार्ड का लाभ मिलने वाला है वो आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि उसमें बैंक अकाउंट है ही नहीं। तो लाभ मिलेगा किसमें, तो वो आपका मान्य नहीं रहेगा, यानी कि वो परमानेंट खत्म हो गया ई श्रम कार्ड। तो उसमें आपको करना क्या होगा, अकाउंट जोड़ना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको ई श्रम के वेबसाइट पर जाना है, एंड यहाँ पर देखते हैं रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, वहाँ पर आ जाना है। जहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड का, जहाँ पर अपडेट प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना। अब अपना मोबाइल नंबर एंड कैप्चा डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी वेरीफाई करा लेना। वेरीफाई कराने के बाद आपका आधार नंबर मांगा जाता है, तो आपको सही आधार नंबर फिल करना, एंड फिंगर या आरआईएस या ओटीपी के माध्यम से यहाँ पर आपको जो है इसका वेरीफाई कर लेना। तो यहाँ पर चलिए मैं फिंगर के माध्यम से कर लेता हूँ, एंड कैप्चा बायोमेट्रिक पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जो लाइट जल जाएगा, एंड मेरे को फिंगर देके यहाँ पर अपना सक्सेसफुली करवा लेना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर भी हो चुका है वेरीफाई, एंड वैलिड पर क्लिक करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक ऑप्शन दिखाऊंगा आपको, जहाँ पर कि यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स नो दिखाएगा। तो यहाँ पर मैं टिक लगा के अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ, एंड अपडेट प्रोफाइल पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू एंड प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे लास्ट में बैंक अकाउंट डिटेल्स, जहाँ पर देख सकते हैं बैंक शेड्यूल विथ आधार नो करके दिया गया, एंड अकाउंट वगैरह सारा यहाँ पर उड़ चुका है, यानी कि डिलीट हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर हो सकता है आपका भी ये काम हो गया हो। अगर आपका भी हो गया है तो आपको जो इस तरह कार्ड का लाभ मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इसको अपडेट करना होगा दोस्तों। तो अपडेट कैसे करेंगे, इसी के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर जो बैंक अकाउंट का डिटेल्स आपका डिलीट हो चुका है, आपको सबसे पहले आधार से उसे लिंक कराना होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बैक का ऑप्शन मिल रहा है, अब बैक हो जाए। अब बैक होकर यहाँ पर आपको जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स का एक ऑप्शन दिखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स पर आप क्लिक करके यस कर लेंगे। यस करते हैं यहाँ पर जो है अकाउंट नंबर वगैरह डालने का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। तो आपको यहाँ पर सही से फिल कर लेना, और फिल करके यहाँ पर आपको उसे अपडेट कर लेना है। अपडेट करते ही दोस्तों वहाँ पर भी आपका अकाउंट जुड़ जाएगा, जिसके बाद जो भी इस श्रम का लाभ मिलने वाला है वो आपको मिलना चालू हो जाएगा दोस्तों, या मिलने लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, और आपका भी उड़ गया तो बैंक यहाँ पर जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट।